एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। वह फल बेचकर अपना गुजारा करता था। बाकी दिनों की तरह ही वह उस दिन देर रात को अपना डेरा लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। उस फल वाले ने उनसे पूछा, अरे भाई, इतनी रात को आप सब कहाँ जा रहे हो? एक आदमी बोला कि भाई, हम सौदागर हैं और माल खरीदने जा रहे हैं। यह सुन वह फल वाला हैरान हुआ कि इतनी रात को कौन सा माल मिलता है, और उसने उसी आदमी से पूछा, इतनी रात को तुम कौन सा माल खरीदने जा रहे हो? माल नगद खरीदोगे या फिर उधार लोगे? उस आदमी ने कहा, भाई पैसे तो देने ही नहीं है। यह सुनते ही उस फल वाले को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना पैसे के ही माल मिल जाता है? कुछ देर सोचने के बाद वह फल वाला बोला, आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यह काम सीखना चाहता हूँ। उन आदमियों ने कहा, ठीक है चलो। कुछ दूर चलने के बाद उस फल वाले ने कहा, मुझे इस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए यह काम कैसे किया जाता है। उनमें से एक आदमी बोला, जो भी हम तुम्हें बताने वाले हैं उसे एक कागज पर अच्छी तरह लिख लो और याद कर लो, क्योंकि पूरा काम उसी पर आधारित है। फल वाले ने कहा, ठीक है बताइए। आदमी ने बोला, किसी के घर के पीछे चुपचाप सेंध लगाना, दबे पांव घर में घुसना, जो भी हो सब इकट्ठा कर लेना, ना मकान मालिक से पूछना और ना ही उसे पैसे देना, चुपचाप सब कुछ समेट कर अपने घर ले जाना, जो भी तुम वहाँ से लेकर आओगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। उस फल वाले ने यह सब कुछ एक कागज पर लिखकर उस कागज को अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिन बाद उन आदमियों ने उस फल वाले को बुलाया और अपने साथ काम पर चलने को बोला। दूसरे गांव में पहुंचने पर उन आदमियों ने उस फल वाले से कहा, तुम अब किसी भी घर में घुस जाओ, लेकिन उस कागज पर लिखी सभी बातों को ध्यान में रखना। यह काम वह फल वाला पहली बार कर रहा था, इसलिए काफी डरा हुआ था। उन आदमियों ने उसे दिलासा दी और फल वाला दबे पांव घर के पीछे से अंदर आ गया। उस घर में सभी लोग सो रहे थे। वह चुपचाप सारा माल बटोरने लग गया। तभी उसके हाथ से एक बर्तन गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर घर में सभी लोग जाग गए। सभी लोगों ने उस फल वाले को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। पीटते वक्त वह फल वाला जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इस कागज में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, अरे नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। इससे पहले कि वह सब लोग आके उन लोगों को पकड़ते जो कि चोर थे, वे सब चोर भाग चुके थे। शिक्षा, हमें कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।